खान Hi everyone, this is Pragati. I hope you all are doing well. In this video, I will tell you about how to fill DU University form for assistant professor. इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि DU University का नोटिफिकेशन आया है जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की हायरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है. अगर आप PhD होल्डर हैं या नेट सेट क्वालिफाइड हैं, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है. DU यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको DU यूनिवर्सिटी के होम पेज पर जाना है. होम पेज पर जाने के बाद आपको होम आइकन पर क्लिक करना है. उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन बटन से आपको वेब पेज को स्क्रॉल डाउन करना है. उसके बाद आपको 19 नवंबर की नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है. उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि इसकी लास्ट डेट क्या है, फॉर्म कैसे भरना है, क्या गाइडलाइंस हैं, क्या स्क्रीनिंग प्रोसेस है, शॉर्टलिस्टिंग कैसे होगी, और आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, आपका क्वालिफिकेशन या आपकी UGPG की डिग्री में कितने मार्क्स हैं, तो आपको कितने मार्क्स क्लेम्ड होंगे, आपके प्लस पॉइंट क्या होंगे, माइनस पॉइंट क्या होंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. एज यू आर अ फ्रेशर कैंडिडेट, आपने DU यूनिवर्सिटी का फॉर्म इसके पहले कभी भी फिल नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी जीमेल आईडी एंटर करनी है. याद रहे आपको जीमेल आईडी का पासवर्ड पता होना चाहिए. अगर आपको नहीं पता है तो अपनी डायरी में कॉपी पेन पर लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपके जीमेल पर एक लिंक आएगी जिसमें लिखा होगा क्लिक हेयर फॉर साइन अप सक्सेसफुली फॉर DU यूनिवर्सिटी. तो पहले आपको अपनी जीमेल आईडी फिल करनी है. उसके बाद आपको अपना जीमेल आईडी को कंफर्म करना है. उसके बाद आपको अपना पासवर्ड फिल करना है. उसके बाद अपने पासवर्ड को आपको कंफर्म करना है. ये सारी इंफॉर्मेशन आप जैसे ही डालोगे उसके बाद आपको वेरिफिकेशन कोड पर क्लिक करना है. कभी कभी हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि हम वेरिफिकेशन कोड डालते हैं वो रॉन्ग हो जाता है. अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करोगे, क्लिक टू चेंज जहाँ पर लिखा हुआ है ब्रैकेट में उस पर क्लिक करोगे तो आपका वेरिफिकेशन कोड चेंज हो जाएगा. उसके बाद आपको फिर से वेरिफिकेशन कोड डालना है. उसके पहले आपको मोबाइल नंबर डालना है, उस पर आपको रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड आएगा या फिर OTP आएगा. तो यहाँ पर मैं वेरिफिकेशन कोड डाल रही हूँ. उसके बाद मैंने रजिस्टर बटन पर क्लिक किया. विंडो पर एक नोटिफिकेशन आया, साइन अप सक्सेसफुली, अ वेरिफिकेशन ईमेल हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी. तो आपको अपना मेल बॉक्स चेक करना है. मेल बॉक्स पर आपको मेल चेक करना है. DU यूनिवर्सिटी के नाम से आपको एक मेल होगा. मेल ओपन करने के बाद आपको लिंक पर क्लिक करना है. लिंक पर क्लिक करते ही आप साइन अप हो जाएंगे और आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगी. जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरने की सेकंड स्टेप होती है एप्लीकेशन फॉर्म को लॉगिन करना. तो आपने अभी जिस जीमेल आईडी से अपना रजिस्ट्रेशन किया है वही आपकी लॉगिन आईडी है, और उस टाइम पर आपने जो पासवर्ड डाला था वही आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पासवर्ड है. तो लॉगिन करने के लिए मैं फिर से अपनी जीमेल आईडी यहाँ पर डाल रही हूँ. उसके बाद मैं पासवर्ड डालूंगी. उसके बाद मैंने चेक बॉक्स पर क्लिक किया है रिमेम्बर मी, मतलब इस वेबसाइट पे मैं जो भी पासवर्ड अपडेट कर रही हूँ वो इस वेबसाइट पर हमेशा के लिए रिमेम्बर हो जाएगा. इनकेस मैं पासवर्ड भूल जाती हूँ तो मैं डायरेक्टली लॉग इन कर सकती. यहाँ पर मैं वेरिफिकेशन कोड डाल रही हूँ. उसके बाद मेरा एप्लीकेशन फॉर्म लॉगिन हुआ है. अभी तक मैंने कोई भी इंफॉर्मेशन फिल नहीं की है. तो इसमें क्या लिखा हुआ है, प्लीज रीड गाइडलाइंस केयरफुली बिफोर फाइलिंग अप द फॉर्म. ठीक है, तो आपको अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करना है. उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया है. आपको यहाँ पर पोस्ट सिलेक्ट करनी है कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो. उसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आप किस कैटेगरी के अंदर आते हो. तो मैंने यहाँ पर SC कैटेगरी सेलेक्ट की हुई है. उसके बाद आपको जिस भी सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर चूज करना है. तो
मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट चूज किया है डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। उसके बाद एडवर्टीजमेंट नंबर बाय डिफॉल्टेड जो भी ऑप्शन में आएगा आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज है 4, जो एससी कैटेगरी है नंबर ऑफ वैकेंसीज है 2। उसके बाद अप्लाई बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जनरल इंफॉर्मेशन डालना है लाइक योर नेम। ध्यान रखिएगा फर्स्ट नेम में आपको सरनेम नहीं डालना है, सिर्फ आपको नेम मेंशन करना है। उसके बाद लास्ट नेम में आपको अपनी सरनेम डालना है, आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, नेशनैलिटी इंडियन, इफ यू आर अ सिटीजन आउट ऑफ इंडिया देन आप उसको सेलेक्ट करें। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, आपका स्टेटस आप सिंगल हो कि आप मैरिड हो वो आपको डालना है। उसके बाद आपको अपने गार्जियन का नेम डालना है, अपना मोबाइल नंबर, कंट्री कोड डालना है। उसके बाद आपको डालना है एड्रेस। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस है तो आप वन टाइम एड्रेस इंफॉर्मेशन फिल करके चेक बॉक्स में क्लिक कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली आपका एड्रेस कॉपी हो जाएगा। तो इस सेक्शन में सारे एप्लीकेशन फॉर्म की तरह अपनी जनरल इंफॉर्मेशन भरनी होती है। बेसिकली सेक्शन में आपको आपका नेम, कास्ट, सरनेम, स्टेटस, जेंडर, गार्जियन नेम और आपका एड्रेस फुलफिल करना है। जैसे आप इस सेक्शन को फिल करोगे आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। अगर कोई भी मैंडेटरी फील्ड आपसे रह जाती हो तो आप दोबारा उसको फिल कर सकते हैं। सेकेंड सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, एजुकेशन। आपका क्वालिफिकेशन क्या है, यूजी, पीजी, एमफिल, पीएचडी और आप नेट सेट क्वालिफाइड हो। इस सेक्शन में आपको अपना एजुकेशन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी है। पहले आपको लिखना है 10th क्लास की इंफॉर्मेशन, आपने कितने सब्जेक्ट्स लिए थे, आपका जो रिजल्ट था वो ग्रेड टाइप था या परसेंटेज टाइप था, किस स्कूल से आप पास आउट हो। उसके बाद आपको 12th क्लास की इंफॉर्मेशन भरनी है, किस सब्जेक्ट से आपकी 11th 12th कंप्लीट हुई है, आपका रिजल्ट क्या है, किस बोर्ड से आपने पढ़ाई की है। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी डिटेल्स आपको फिल करनी है। अगर आप नेट सेट क्वालिफाइड हैं तो आपको सिलेक्ट करना है कि आप सीएसआईआर नेट क्वालिफाइड हैं या यूजीसी नेट क्वालिफाइड हैं। आपने किस सब्जेक्ट से यूजीसी नेट क्लियर किया है वो डिटेल आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। उसके बाद आपके रिजल्ट मतलब आपकी मार्कशीट में जो भी इंफॉर्मेशन है लाइक रोल नंबर एंड सर्टिफिकेट नंबर वो आपको यहाँ पर फुलफिल करना है। उसके बाद आप इसको सेव कर सकते हैं। एडिशनल क्वालिफिकेशन में लाइक पीजीडीसीए या आपने सीपीसीटी किया हुआ है या आपने सीए, सीपीटी, आईपीसीसी या कोई भी अपने सब्जेक्ट से रिलेवेंट उसमें डिप्लोमा या डिग्री हासिल की है तो आप एडिशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन में डेटा फुलफिल करके उसको सेव कर सकते हैं। तो इस सेक्शन में बेसिकली आपने जितनी भी डिग्रियां प्राप्त की हैं जो आपका क्वालिफिकेशन है वो आपको फिल करना है। उसके बाद आपको जानना है नेक्स्ट सेक्शन में। नेक्स्ट सेक्शन आपका क्या है, रिसर्च। नेक्स्ट सेक्शन में जाने से पहले आप एक बार क्रॉस चेक कर लें कि आपने एजुकेशन सेक्शन में सारी डिटेल्स प्रॉपरली फिल की है कि नहीं की है। अगर आप करेंटली कहीं पर वर्किंग है तो आप वो डिटेल्स भी इसमें डाल सकते हो। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो वो भी आप डाल सकते हो। अगर आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी फील्ड में भी कुछ किया है तो आप वो इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड जो इंस्टीट्यूशन है उसमें आपका रिसर्च पब्लिकेशन पब्लिश हुआ है, आपके रिसर्च पेपर पर पेटेंट या कॉपीराइट लगा हुआ है, आपको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर कोई अवार्ड मिला हुआ है तो उसकी इंफॉर्मेशन भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। इस सेक्शन में बेसिकली आपको अपना रिसर्च वर्क शो करना है। नेक्स्ट सेक्शन में क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। यहाँ पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस मेंशन किए गए हैं डीयू यूनिवर्सिटी के द्वारा, आपको सिंपली आंसर करना है।
कि अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आप किस लैंग्वेज के लिए सुटेबल होगे, मतलब आप किस लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ाओगे। उसके बाद आपको बेसिक क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके आंसर सबको बहुत ही वाइजली करना है, क्योंकि ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन और आपके आंसर्स के बेस पे आपके एप्लीकेशन फॉर्म को स्क्रीनिंग करके शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो जो क्वेश्चंस हैं, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मैं आपको आंसर्स देने की पूरी कोशिश करूंगी। इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी हैं कि अगर आपको डी यूनिवर्सिटी में जिस सब्जेक्ट से आप पीएचडी हो या नेट क्वालिफाइड हो, वो डिपार्टमेंट आपको मिल जाता है, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे, उसकी ग्रोथ के लिए आप क्या करोगे, ये सब चीज़ों उसमें पूछी गई है। और आपको जो आंसर्स लिखने हैं वो 100 वर्ड्स के अंदर लिखना है। लास्ट क्वेश्चन इसमें ये है कि अगर आपको आप क्वालिफाइड होते हो, शॉर्टलिस्टेड होते हो, इंटरव्यू आपका क्रैक हो जाता है, तो आप कितने दिनों में ज्वाइनिंग करोगे, तो उसका आंसर भी आपको बहुत अच्छे से लिखना है। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन गलत नहीं लिखनी है या कोई भी इंफॉर्मेशन छुपानी नहीं है, क्योंकि ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, आपका रिकॉर्ड है। वैसे भी कैटेगरी वाइज बहुत कम पोस्ट हैं, अगर आपका एप्लीकेशन स्टेटस अच्छा होगा तभी आप शॉर्टलिस्टेड होगी। उसके बाद आपको दो प्रोफेसर्स का रेफरेंस लिखना है, मीन्स आपने जहाँ से भी स्टडी किया हुआ होगा, आपकी जान पहचान के कुछ प्रोफेसर्स होते हैं, ठीक है, तो आपको उनका डेटा फुलफिल करना है। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन बटन पर जाना है, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन डिक्लेयर करना है कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं है, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। बेसिकली यहाँ पर नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की बात की गई है। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट सेक्शन में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, लाइक फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th क्लास सर्टिफिकेट, 12th क्लास सर्टिफिकेट एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट्स अपलोड करना है। फॉर एग्जाम्पल्स, आपको कहीं पे फुल टाइम टीचिंग का एक्सपीरियंस है, आपने कहीं लाइब्रेरी या पोस्ट पीएचडी रिसर्च का एक्सपीरियंस लिया हुआ है, प्रेजेंटली आप कहीं पर टीचिंग वर्क कर रहे हो, तो ये सारे सर्टिफिकेट जो है आपको खुद से अटेस्टेड करके अपलोड करना है। उसके बाद आपको एक बार चेक करना है कि आपने कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन तो फिल नहीं की है। ये सब अपलोड करने के बाद नेक्स्ट सेक्शन है प्रीव्यू। प्रीव्यू सेक्शन में आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म की फुल स्क्रीनिंग कर सकते हैं, जनरल इंफॉर्मेशन से लेके डॉक्यूमेंट अपलोड करने तक आपसे कोई गलती तो नहीं हुई है, ये सब आपको प्रीव्यू में चेक करना है। आपका क्वालिफिकेशन, आपका रिजल्ट के हिसाब से कितने मार्क्स गेन्ड हुए हैं, उसमें से आपको कितने मार्क्स ऑब्टेंड हुए हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन प्रीव्यू वाले सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगी। यदि आप फॉर्म भरते समय आपसे कोई भी मिस्टेक हो गई है तो आप यहाँ पर जाकर एडिट कर सकते हो, क्योंकि फाइनल सबमिशन के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म एडिट नहीं होगा। तो प्रीव्यू वाले सेक्शन को देखते समय आपको बहुत ज्यादा अटेंटिवली होना पड़ेगा। एक बार आप क्रॉस चेक कर ले जो बेसिक क्वेश्चंस थे, उसके आंसर्स आपने प्रॉपरली राइट किए हैं कि नहीं किए हैं, आपने दो प्रोफेसर्स का रेफरेंस दिया है कि नहीं दिया है। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन पढ़ना है ध्यान से, जिसमें ये लिखा होता है कि अगर कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मैंने फिल की है उसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। उसके बाद आपको सबमिशन बटन पर क्लिक करना है। सबमिशन बटन में फाइनल सबमिशन करने के पहले आपको 10 पॉइंट चेक करने हैं। पहला जनरल डिटेल्स, दूसरा एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, सिग्नेचर, फोटोग्राफ्स, कास्ट सर्टिफिकेट्स और अदर रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स, एडिशनल इंफॉर्मेशन और डिक्लेरेशन तक आपने कुछ मिस्टेक तो नहीं की है। ये सब प्रीव्यू करने के बाद आप फाइनल सबमिशन बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली करके विंडो में एक नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। आई होप इन इस वीडियो में मैंने आपको डी यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना सिखाया। अगर आपको कोई भी डाउट है या फॉर्म भरते समय आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। डी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक मैं इस
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।